आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे एक सरगर्मी बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है, वो है दल बदलने की राजनीति। वैसे आप जो दल बदलने की परंपरा है वो हमारे देश में नई नहीं है, हमेशा से ही चुनाव के समय दल बदलने की परंपरा है, वो लगातार चलती जा रही है, उसमें कोई नया नहीं है। पर दल बदलने की परंपरा में एक नया ट्विस्ट सामने आया है, वो ये है कि जो अब तक सरकार में थे और सरकार की तारीफें करते नहीं थक रहे थे, अब वही सरकार में अब चुनाव के समय सरकार को एक प्रकार से खराब बताते हुए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस सरकार में हमारा शोषण हुआ है, हमारे लोगों की नहीं सुनी गई है और हमको लगातार उपेक्षा की गई, इसलिए इस सरकार से हम इस्तीफा दे रहे हैं और अगली पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, अगली पार्टी तो ज्वाइन कराएंगे करेंगे, क्योंकि भाई राज चुनाव है और कहीं ना कहीं तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो वो तो एक स्वाभाविक बात होगी कि अगर एक पार्टी छोड़ेंगे दूसरी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि नेतागिरी का जो शौक होता है वो इतना अच्छा शौक है कि अगर कोई पार्टी, कोई भी राजनेता बन जाता है उसके बाद वो बिना पार्टी के नहीं रह पाता है। अब दल बदलने की राजनीति तो यहाँ होगी, साथ ही साथ चल रहे हैं देश में जातिवादी समीकरण, यानी अब किसको टिकट मिलेगा ये भी फाइनल होता है, उस विधानसभा के वोट प्रतिशत किसका ज़्यादा है इस पर टिकट निर्धारित होता है। तो दल बदलने की राजनीति से कहाँ तक होगा उद्धार, ये हमारा आज चर्चा का विषय है। इस पर जुड़ने पर हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से प्रदीप चौधरी और भारतीय जनता पार्टी से रामनिवास यादव, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो बीजेपी से रहेगा, रामनिवास यादव से, कि क्या कमी रही कि बड़े बड़े नाम रामनिवास जी छोड़ के जा रहे हैं, बता रहे हैं और लेटर जारी कर रहे हैं बाकायदा कि सरकार में हमारी उपेक्षा हो रही थी, हमारे लोगों की सुनी नहीं जा रही थी और मैं विपरीत परिस्थितियों में पूरे मनोयोग से काम कर रहा था, पर अब समय आ गया है, मैं पार्टी की इस पद से, इस मंत्रालय के पद से इस्तीफा देता हूं और अब दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। क्या मानते हैं, क्या कमी रही जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं? नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से जो है जो लोग 5 साल हमारे साथ रहे, सरकार चलाए और जब आज चुनाव का समय आया तो हमको छोड़ कर गए, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास था कि पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की राय, जनता की राय और तमाम एजेंसियों से राय लेके पार्टी टिकट देती है। और जिस प्रकार से जो नेता गए हैं, अब किसी का दामाद का टिकट चाहिए, किसी को बेटे का टिकट चाहिए, और जैसे अभी स्वामी पद मौर्य जी की लगातार बात हो रही है, अब उनके बेटे को पार्टी ने टिकट दिया था, वो पूरी तरह चुनाव हार गए थे, फिर भी हमारी पार्टी ने उनकी बेटी को टिकट दिया, बेटी उनकी सांसद बनी, आज हमारे साथ हैं, अब उनको बेटे का फिर टिकट चाहिए, दामाद का टिकट चाहिए, तो हमको लगता है कि हमारी पार्टी में ये संभव नहीं है कि बाप को भी टिकट मिले, बेटी को मिले, बेटे को मिले, दामाद को मिले, ये तो समाजवादी पार्टी में संभव है, क्योंकि वहां एक ही परिवार के सब लोग हैं, अगर उसी आचरण के लोग हैं तो उनको जाएंगे ही। और जहां तक मैं कल देख रहा था स्वामी पद मौर्य जी को, जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे कि मेरा उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों को उत्पीड़न हुआ, तो अगर उनके बेटे और दामाद से ही सारा पिछड़ा समाज जोड़ा जाता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा समाजवादी पार्टी में हो सकता है, वही उनका स्वागत हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में समूह नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है, जो इसमें देश के बहुत सारे वर्गों का समायोजन है उसमें, और पिछड़े, अगड़े, दलित सबको भारतीय जनता पार्टी में उचित सम्मान मिलता है, इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है और देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सबसे ज्यादा भारतीय जनता विधायक और भी जनप्रतिनिधि बैकवर्ड और दलित समाज से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जवाब ले लेते हैं। और यही उनको डर लगा कि जब हमको दामाद और बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बेटे और दामाद के दबाव में उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि उनको इस बात की लगातार चिंता होगी कि हमने पार्टी छोड़ दिया है, हमारा भविष्य आगे क्या होगा। जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे कि दामाद और बेटे के लिए पार्टी छोड़ी थी, आपकी पार्टी में टिकट दिया जाएगा क्या? गौरव जी, मुझे हंसी आ रही है भाई साहब की बात पर, ये कह रहे हैं परिवारवाद, ये बताइए पंकज सिंह किसके बेटे हैं, राजनाथ सिंह जी आज केंद्र में मंत्री, उनका बेटा एमएलए का चुनाव टिकट हुआ फाइनल, लाल जी टंडन जी के बेटे आज तो टंडन मंत्री हैं,
कल राज मिश्र के बेटे कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे, उनका बेटा सांसद था और नाती उनका स्वास्थ्य राज्य मंत्री था। ज्यादा पार्टी के लोग आरोप लगाना जानते हैं। परिवारवाद की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, जातिवाद कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये लोग हमारी जब सरकार थी तो थानेदार से लेके आईपीएस तक हमको जातिवाद कहते थे। अब बताइए जिलों में किस जाति के डीएम हैं, मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठता हुआ जहाज है। आज जिस तरीके से जहाज जब डूबता है तो उसमें से चूहा भी भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। रही बात टिकट काटने की, मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जिसने भारतीय जनता पार्टी में टिकट बचा लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं बची अपने किसी विधायक का जो 40% टिकट काटने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी। आज उन्हें मजबूरन, क्योंकि मजबूरन सबको आज भी टिकट काटे हैं प्रदीप जी, आज भी टिकट काटे गए विधायक। बहुत कम तय था हमारे यहाँ भी टिकट करने थे, एक टिकट कटा था बल्कि चारों टिकट कटते थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित पिछड़ों के विरोध में रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण पे कुठारघात किया है, हमेशा रोजगार को खत्म करने का काम किया है, नौकरियों को खत्म करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उद्योगपतियों की पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी की पार्टी है। आज किसानों के यह हालात है। आज प्रदेश का नौजवान किसान मजदूर दलित पिछड़ा हर वर्ग का व्यक्ति अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। आज अखिलेश यादव जी की सुनामी है और भारतीय जनता पार्टी डबल अंक में सिमट जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं, हम लोग तो चाह रहे थे 11 तारीख को बाबा मर जाएंगे, बाबा की चर्चा थी, मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, बनारस से लड़ेंगे, लेकिन बाबा को तो बीजेपी ने आज ही मठ भेज दिया। और गोरखपुर जा बाबा जवाब लेते हैं, रामनवास जी मैं तो पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो हार मान ली है और बाबा को आज ही गोरखपुर जवाब लेते हैं। रामनवास जी क्या कहना चाहेंगे? इनके पास कोई जवाब होगा नहीं, ये झूठ के अलावा झूठ का जनरेटर। प्रदीप जी, प्रदीप जी बारी बारी से प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं लोगों को, तमाम पिछले प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा और जब पैसा मौर्य बेचारे मुख्यमंत्री बन प्रदीप जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काले चश्मा वाले बाबा जी ने उनको स्तूप समाज का चल रहा था। प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं। और एक मुस्लिम तुष्टिकरण चल रहा था, उससे प्रदेश जनता उब के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। इनको 2014 में जनता ने नकारा, 2017 में नकारा, 2019 में नकारा और 2022 में इनको नकार के वही सैफई भेज देगी जहाँ पे बार बालाओं साथ नाच करेंगे। क्या करना चाहिए प्रदीप जी, क्या जवाब रहेगा? प्रदीप चौधरी सुन रहे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गौरव जी जो हार जान जाता है वो जीत भी जान जाता है। हमने हार भी देखी है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हार नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रदेश ने 26 साल हार कर दिया था। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता था, भाई सुन रहे होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश से और 2024 में इस देश से किसान नौजवान भगाने जा रहा है। जिस तरीके के हालात किसानों के हुए, 700 किसानों का बलिदान होने के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं माफी मांगता हूँ, मैं किसानों को नहीं समझा पाया। ये कौन सा न्याय भाई, कौन जिम्मेदार है किसानों की? अच्छा, अखिलेश जी जिम्मेदार है, वो एक साल किसान बॉर्डर पे बैठा रहा। अभी अखिलेश जी कहे हैं कि अब भाजपा के बागियों को अब नहीं लाया जाएगा, हम अपने यहाँ जगह नहीं देंगे और टिकट तो दिया ही नहीं जाएगा, तो क्या मानते हैं? इतनी लंबी लाइन है गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा एमएलए आज भी तैयार है। कई एमएलए आज मुझे फोन कर रहे हैं, टिकट होने के बावजूद ही समाजवादी से लड़ना चाहते हैं। उनको ये अंदेशा था हमारा टिकट जाएगा, टिकट होने के बाद भी लड़ना चाहते हैं। पार्टी का ये मान बैठे थे कि हमारी जी, अखिलेश जी कहना है कि अब हम किसी को भाजपा के बागी को नहीं लेंगे, जो भी बागी विधायक आएंगे हम नहीं लेंगे, तो क्या जिनको लिया है उनको टिकट दिया जाएगा? पार्टी सरकार में 5 वर्ष जो हमारी बीजेपी सरकार में हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने, नौजवानों ने डांटियां खाई हैं, डंडे खाई हैं, अब वो लोग कहां जाएंगे? इसलिए अखिलेश जी का निर्णय सराहनीय है। जिन लोगों को जरूरत थी हमें, या जिन लोगों का जनाधार है, जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ है, या जिनका 5 साल सरकार में उपेक्षा हुई है, उन लोगों को अखिलेश जी ने समायोजित किया है। उनके बाद अब तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो साथी विधायक हैं जो छोड़ के आए हैं उनको टिकट दिया जाएगा। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, जो की बात हुई है। और समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मिलकर सरकार बनाएगा और ये चुनाव 85-15 का होगा और 85 हमारा है, 15 में भी हमारा हिस्सा है, वो भी आपका है।
रामनिवास जी क्या कहेंगे, 85-15 का चुनाव है, 15 भी इनका है। सब जाति धर्म से भाईचारे की सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रगति बनाने जा रहे हैं। प्रदीप जी बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से प्रदीप जी, बारी बारी से। जिन्ना सपने में आएंगे तब इनको चले पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या हैसियत है। समाजवादी पार्टी की हैसियत जो पिछली बार थी उससे भी बुरी तरह होगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी का आने का मतलब कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, भ्रष्टाचार और एक वर्ग विशेष का जो है वर्चस्व होना है। अभी सरकार नहीं बनी है, अभी इनको जीत का दूर दूर तक कहीं अंदेशा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार इनके कुछ गुंडों ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया है और हमको लगता है कि भी 15-20 दिन बाद इतनी गुंडागर्दी की शुरू हो जाएगी कि जनता न चाहते हुए भी अगर कहीं उसको लगेगा एक आध विधायक हम जो है इनका कुछ जीतने वाला होगा उसको भी हराने काम करेगी, क्योंकि वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में शांति योगी जी के नेतृत्व में रह सकती है। इसलिए योगी जी को पिछली बार से भी ज्यादा इस बार 350 का आंकड़ा पार होगा, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। क्या प्रदीप जी क्या कहेंगे? जवाब नहीं है। भाई ने कहा गुंडा, इनसे बड़ा गुंडा कौन है? जिस मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लियो, सारी आपराधिक धारा हो, उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे, आपसे बड़ा गुंडा कौन होगा? आप रात के 12 बजे दलित की बेटी को जला देते हो, आपका चिन्मयानंद एक स्टूडेंट बलात्कार कर देता है, आपका जो है कुलदीप सेंगर एक्सीडेंट में मरवा देता है पीड़िता को, उसके गवाहों को, आपसे बड़ा कोई गुंडा होगा इस प्रदेश में? समाजवादी पार्टी सामाजिक पार्टी है, समाजवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में तड़ीपार जैसे लोग हैं। आपके गृह मंत्री कौन है आप बताइए? आपके गृह मंत्री कौन है? गुजरात से तड़ीपार थे आपके गृह मंत्री। आपके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी पर 36 मुकदमे, आपके केशव मर्यादी पर 29 मुकदमे, और मुख्यमंत्री ने खुद ही के मुकदमे में वापस लिए। हमारे नेता पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक मुकदमा आपराधिक बता दो आप, हमारी पार्टी के किसी नेता पे आप गुंडे का सर्टिफिकेट हमें देंगे? अभी लोग आपके यहाँ जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, मुकदमे वापस हो जाएंगे, और आप दूसरों को गुंडा कहेंगे? आप बताइए, आपके मुकदमे शपथ पत्र दिखाऊं आपको मैं जो उन्होंने चुनाव में दाखिल किया था? 36 मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ जी पे, केशव मौर्या जी पे 29 मुकदमे, 3 सदों से लेकर मकान कब्जाना, ऐसा कौन सी धारा है जो तुम्हारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में दर्ज नहीं थी? आप बताओ कौन सी धारा है? आप हमको क्या कहेंगे? जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं, कोई आपराधिक मुकदमा? जवाब लेते हैं रामनिवास जी, जवाब लेते हैं रामनिवास जी। नहीं, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी का आचरण गुंडों का आचरण है। इनके वहाँ आतंकवादियों को समर्थन दिया जाता है। समाजवादी पार्टी ने मुकदमे लिखवाए? अरे उनका आपराधिक इतिहास है, योगी आदित्यनाथ जी का आपराधिक इतिहास है। देश में पूरी तरह इनकी हार होती है, जो उत्तर प्रदेश जनता जानती है गुंडा राज होता है। आप शरद भाई के सर्टिफिकेट देंगे? आपने अपने मुकदमे, आप ही कोतवाल, आप ही मुंशी, खुद के मुकदमे वापस लेने वाले अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहेंगे? जी हमारी सरकार ने किसी आतंकवादी के मुकदमे वापस लेने की सिफारिश नहीं की। आपकी सरकार में जिन्होंने देश का नुकसान किया, आतंकवादी घटनाएं की, आपने तो उनको झांसे भेजा मेहमान की तरह। आपको किसकी सरकार थी? कोर्ट ने मना कर दिया, आपके छोड़वाने वाले थे, किसकी सरकार न्यायालय दोषी करार दिया जिसमें 8 को फांसी की सजा हुई, वो आपके नेता थे जो छुड़वाने काम कर रहे थे उनको। कांड हुए पुलवामा किसके? अरे मुद्दे की बात करते हैं, दल बदलने की परंपरा। एक नेता है वो अपने परिवार के नेता है नहीं, सत्ता के लिए तो उन्होंने अपने पिताजी को कुर्सी से हटा के जो है, मैं ये कह रहा हूँ योगी जी आ गए। किसने चला? किसकी सरकार थी? रिश्तेदार की तरह भिजवाया गया था अटल जी की सरकार में। कंस ने हुआ मृत्यु थी, पिताजी प्रतिष्ठा के जेल में था, कई हाल अखरे जी करते, लेकिन योगी जी आ गए, उन्हें बचा लिया उनको। अरे मुद्दे पे आते हैं प्रदीप जी, रामनिवास जी, मुद्दा ये है कि दल बदलने की परंपरा है, इसका खात्मा क्यों नहीं होता है भाई? चुनाव के समय ही अपनी अपनी पुराने दलों की
बात खराब करके या उनकी बुराई करके या उनके बारे में बता के उन्होंने उपेक्षा की है, ये परंपरा खत्म क्यों नहीं होती है? चुनाव के समय इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है कि चुनाव के समय कोई दल नहीं बदला जाएगा? क्या मानते हैं गौरव जी? हमारी पिछली सरकार ने ही कानून लाई थी, दल बदल कानून। इनके वहां तो जब ये लोग सरकार में थे तो आधे विधायक उधर आधे विधायक उधर जाते थे। कब सरकार किसी गिरती थी कब बनती थी कोई वो नहीं था। वो तो पिछली श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के पीरियड में दल बदल कानून लाया गया, तब से कुछ रोक लगी। धीरे धीरे जनता समझ रही है और जनता आगे भी ऐसे दल बदलुओं को बेनकाब करेगी। और जनता से बड़ी कोई न्यायालय नहीं है। और जो लोग हमारी पार्टी को छोड़कर जो 5 साल हमारे साथ रहे सत्ता की मौज लिए और गए हैं और अपने दामाद अपने बेटों के लिए, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश जनता बेनकाब करेगी, उनको बुरी तरह हरा के उनको वापस भेजेगी। प्रदीप चौधरी बोल रहा है कि 100 विधायक कक्ष में अभी भी गठबंधन चाहे भाई उत्तर प्रदेश में एक मिनट प्रदेश में कांग्रेस की सरकार राम निवास जी प्रदीप जी बोल रहा है, एक मिनट बारी बारी बोलिए। कुछ नहीं पाए, सुनिए सुनिए, कल इतना सीखिए आप बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। कांग्रेस की सरकार थी, आपने चुनी हुई सरकार के 26 MLA इस्तीफे दबा करके प्रदेश को दोबारा चुनाव के मुंह में झोंक दिया। आप बात करोगे लोकतंत्र की, आप चुनी हुई सरकारें गिरा देते हैं, आप लोकतंत्र की बात करोगे, आप दल बदल की बात करोगे? आपने चलती सरकार को कमलनाथ सरकार को और आपने एमएलए से इस्तीफा दिलवा करके चुने हुए एमएलए 1.5 वर्ष के बाद आपने चुनाव में झोंक दिया। आप बात करोगे लोकतंत्र की, आप चुनी हुई सरकारें गिरा देते? आपने कर्नाटक में सरकार गिरा दी, आपने महबूबा के साथ सरकार चलाई, अपना फायदा हुआ, आपने सरकार गिरा दी। आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और आज ये चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। चले, चले, और ये जनता समझ चुकी है। एक नया बात अभी हाल में जानकारी मिली है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सब एक साथ होकर के और लोकतंत्र को बचाने का अभी हाल में ही 2022 में देश को बचाने का चुनाव है। अभी निर्धारित हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की जगह मथुरा की जगह अब गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। क्या मानते हैं प्रदीप जी कि ये अचानक फेरबदल क्यों हुआ जबकि अटकलें लगाई जा रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? गौरव जी, जनता ने मन बनाया था कि 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी को मत भेजना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले ही मत भेजने का काम किया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी। रामनिवास जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता रामनिवास जी कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली। प्रदीप जी का मानना है तो सत्ता प्रदीप जी एक एक करके बोलिए कि जो जहाँ जिसका कार्य क्षेत्र रहता है वहाँ से पार्टी लड़ाने काम करती है। भाई वो गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे, इसीलिए वहाँ से उनको लड़ाने का काम किया है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को तय कर देगी कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और समाजवादी पार्टी का अता पता नहीं चलेगा क्योंकि आएंगे योगी जी। ठीक रहेगा उत्तर प्रदेश में। प्रदीप जी बोल रहे हैं कि 100 से ज्यादा विधायक अब भी समाजवादी पार्टी के लोगों के टच में है, संपर्क में है और चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनको ले ले। क्या मानते हैं रामनिवास जी? देखिए तो चुनावी वर्ष है, जिनके जिनके टिकट कटने की संभावना या जिनको चुनाव हारने की संभावना जिसको आज टिकट फाइनल हुआ अभी बारी बारी बोलिए बारी बारी से बारी बारी परिवर्तन किए गए हैं। तो जो भी व्यक्ति को लगता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, हमारी स्थिति खराब है, तो वो स्थान तलाशता है। और हमको लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से गए हैं कभी वो पनप नहीं पाए हैं और वो खुद डूबते हैं और जिसको जाते उनको भी डूबते हैं। वही हाल समाजवादी पार्टी का होने वाला है। उनकी 47 सीटें थी, घटके इनकी 25 सीटें बचेंगी। 25 बचेगी प्रदीप जी? रामनवास जी बोले 25 सीटें बचेगी आपकी। ये इनकी सीटें हैं, इनकी अपनी सीटें बता रहे हैं गलती से, बाई मिस्टेक हमारी कह गए। इन्होंने सही कहा है, भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं जीतेगी और समाजवादी पार्टी इस बार बहुमत की पूरे बहुमत की जीत लाकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते 400 जीतेंगे। उनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश सीटें कितनी है। हम तो कह रहे हैं भाई, आप बता रहे हो, हम तो कह रहे हैं 3 सीट भाजपा जीतेगी, टेम्पो में विधानसभा जाया करेगी, रिक्शा में, और ई रिक्शा भी हम देंगे इनको योजना के तहत।
श्रम विभाग से ई रिक्शा देंगे इनके तीन विधायक भाजपा के। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है जहां वो जाते हैं, सुन लीजिए, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है जहां वो जाते हैं सरकार वहीं की बनती है। क्या कहेंगे रामनिवास जी? नहीं गौरव जी, 2012 में वो बहुजन समाज पार्टी में थी और बहुजन समाज पार्टी बुरे थे हारी, और वो तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्र मनाए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी में आए तो मंत्री विधायक बन गए और उनकी बेटी सांसद बन गई, वरना वो भी नसीब न होता। इनके वहां जो भी दल गए हो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज वो नेता बने, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो। ओम प्रकाश राजभर जी बचपन से लड़ते लड़ते बुढ़ापा उनका आ गया, कभी विधायक नहीं बन पाए थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, विधायक बने, मंत्री बने, आज वो वापस फिर चले गए हैं और फिर वो पैदल हो जाएंगे। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? मौर्य जी आए हैं आपको हराने आए क्या? जी गौरव जी, उनका कहना है मौर्य जहां जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जाते हैं वहां पार्टी हार जाती है, क्या कहेंगे? अभी आपको ये गलत से भी इनको निकाल देता हूं रामनिवास जी की, 2012 में 17 में जो आप सरकार में आए थे इन्हीं दलित चलों को गुमराह करके भेंका के आप सत्ता में आए थे, यही स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम जो राजभर हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, तमाम दलित पीढ़ों को आपने गुमराह किया, दलित पिछड़ों को ठगने का काम किया, अल्पसंख्यक को ठगने का काम किया, तुमने तमाम लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, जहां प्रचार को भारतीय जनता पार्टी गई जिस मंडल में गई वहीं कहा दलित का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पिछड़े का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सैनी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और जिसका कहीं नाम नहीं था आपने उसको मुख्यमंत्री लाके बना दिया। ये जनता सब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों का नौजवानों का केवल अहित कर सकती है और इनको ठगने का काम कर सकती है, आज वो समझ गए और सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने। अच्छा मेरी समझ में ये नहीं आता, दल बदलने की परंपरा है चुनाव के समय क्यों हावी होती है और सारी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में कमी केवल चुनाव के समय क्यों नजर आती है? क्या कहें प्रदीप जी, मौर्य जी को चुनाव के समय ही क्यों नजर आई कि अब तक उनकी उपेक्षा हो रही थी, कि कुछ समय पहले तक 1 जनवरी तक वो सरकार की तारीफें करते नजर आ रहे थे मीडिया के सामने? समझ में आती है कुछ बातें देर में समझ में आती है, मौर्य जी को अच्छा लगा, मौर्य जी को पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों का केवल अहित कर सकती है, इनको ठगने का काम कर सकती है, इनको अपना हक और हुकूमत नहीं दे सकती, तो इसलिए मौर्य जी ने 5 साल लग गए, मैं स्वागत करता हूँ उनके निर्णय का, 5 साल लग गए। रामनिवास जी क्या कहेंगे? नहीं प्रदीप जी को भी समझ में भी आएगा, अभी उनकी बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी ने गलत किया है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और जब उनकी बेटी हमारे वहाँ है और एक ये स्वामी जी को भी पता है कि समाजवादी पार्टी में जो है बहन बेटियों की इज्जत नहीं होती, इसलिए वो अपने बेटे तो लेके गए लेकिन फिर बेटी को नहीं ले गए, उनको पता है कि बेटी अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ ही सुरक्षित है, इसीलिए बेटे और दामाद को ले गए लेकिन बेटी को नहीं ले गए। अभी अभी भीम आर्मी के संस्थापक जो चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के साथ उनका भी गठबंधन हो सकता है, कुछ सीटों पर सहमति बन सकती है, पर उन्होंने कहा है कि अब तक कोई सहमति नहीं बनी है और ना सहमति बनेगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे प्रदीप जी? कुछ लोगों के निजी स्वार्थ हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी सबका स्वागत करती है, सम्मान करती है, समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक लेकर सब जाति सब समाज की पार्टी है, और कुछ लोग उनकी हो सकता है कहीं से सीट ज्यादा मांग रहे हो, सीटें सीमित है, अगर 600 सीटें होती हो सकता है हम ज्यादा सीट दे देते, क्योंकि सीटें 403 है, हमारे भी कार्यकर्ता है और तमाम छोटे छोटे लोगों को छोटे दलों को राष्ट्रीय दिन जोड़ने का काम किया, सबको सम्मान देने का काम किया है, और राष्ट्रीय दिन ज्यादा सम्मान कोई दे नहीं सकता, हमारे नेता सरल हृदय के व्यक्ति है, सबको सम्मान देते हैं, हो सकता है उनकी इच्छा पूर्ति ना हुई है, चुनाव का समय है, और मैं तो ये चाहता हूं अगर वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो सीट तो इश्यू नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर वो दलित को और हुकूमत दिलाना चाहते हैं, पिछड़ों की मदद करना चाहते हैं भीम आर्मी चीफ, तो सीट तो इसी नहीं होना चाहिए, पहला उद्देश्य होना चाहिए किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक विरोधी, सभी वर्गों की विरोधी सरकार को हटाने के लिए हमको एक साथ आना चाहिए। रामनिवास जी क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद का जो अभी स्टेटमेंट आया है, आजाद जी की समझ में आ गया कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में ही दलितों को उत्पीड़न हुआ था और इन्हीं की सरकार में दलित समाज को रिवर्ट करके उन्होंने पीछे कर दिया था, जो प्रोन्नत में आरक्षण सही कह रहा हूं ना, देश की बेटी दलित समाज की आपने जाति चला के मार दिया, आपको शर्म नहीं आती दलित की बात करते हो रामनिवास जी? क्या हाथरस की बेटी दलित नहीं थी? क्या हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी?
आपने आपने रात में मिट्टी का तेल के जला दिया उसे, आपने रात में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, तुमको शर्म नहीं आती तुम दर्द की बात करोगे? सलीम की बेटी को रात में जला देते हैं, उसके माँ बाप चिल्लाते रह गए, मुंह नहीं देखने दिया, आपने मिट्टी का तेल के जला दिया और आप दर्द की बात करोगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। बारी 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 भाई बारी बारी आपके मुख्यमंत्री गाजीपुर जाते हैं दलित को तेल और शैम्पू देते हैं, बारी बारी से कहीं बदबू नहीं आ जाए आपके मुख्यमंत्री को? आपको शर्म नहीं आती है? आप भी पिछड़े हैं, आप भी पिछड़े हैं। आपके अखिलेश यादव जी जब बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से गंगाजल से धोया गया, बारी बारी से बोलिए, रामनवा से जवाब ले लीजिए, रामनवा से को गंगाजल से धोया गया, दलितों से इतनी बदबू आती है और आप आपको तो रहना ही नहीं चाहिए उसी पार्टी में। जवाब जवाब लेते हैं रामनवा जी, जवाब लेते दलित की बेटी को रात में जला देते हो? प्रदीप जी, प्रदीप जी बारी बारी से बोलिए भाई, बारी बारी से, बारी बारी रामनवास जी, रामनवास जी क्या कहेंगे? है क्या ना कि प्रदीप जी जो है उनको सच्चाई पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ रही है और यही बात चंद्रशेखर जी को भी पता है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी आ रही है जो दलितों पिछड़ों की हितैषी है। उनको अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी आ गई पार्टी तो बेटी को चला दिया होगा। जवाब है अच्छे एक दलित को बेटी को समाजवादी पार्टी और उनका नुकसान हुआ वही हमारा भी हाल हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने गठबंधन किया सबका सफाया हो गया, वो अच्छी तरह चंद्रशेखर जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। आप कितने गठबंधन के साथ हो यूपी में? भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव दम नहीं प्रदेश से चुनाव कर ले, पिछली बार 6 दल थे, आज भी 4 दल आपके साथ हैं, अंकुरिया पटेल है, संजय निषाद हैं और तमाम लोग होंगे, पूरे देश में 55 पार्टियों के साथ आपका गठबंधन है और आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। फाइनल कमेंट लेते, फाइनल कमेंट लेते प्रदीप जी, ये बताइए दल बदलने की जो परंपरा लगातार चली आ रही है आप क्या मानते हैं कि चुनाव के समय इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए, हाँ या ना? और दूसरी चीज, अगर सरकार जाने को है और सरकार अगर जो भी सरकार में मंत्री रहा है वो बिल्कुल मौके पर चुनाव के समय ही सरकार की उपेक्षा के आरोप लगाकर छोड़ चला जाता है पार्टी छोड़कर, तो उसको दूसरी पार्टी ज्वाइन करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए? प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? स्वामी प्रसाद मौर्या जी समझदार नेता है, उन्होंने अपनी समाज का अपने वर्ग का हित और अहित देखा है, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दलित पिछड़े का भला नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी का सबका सम्मान है, आने वाले 2022 में सबको अपना हक और हुकूमत मिलेगी, प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाया जाएगा और दलित पिछड़ा आदर सब समाज का सम्मान होगा। और जिस तरीके से 2012 से 17 के बीच में इस प्रदेश को एक्सप्रेस वे, मेट्रो, विधानसभा से लेकर के कन्या विद्याधन से लेकर के लैपटॉप नौजवानों देने से लेकर के जो योजना हमारी कारगर थी, 2022 के चुनाव जीतने के बाद में अखिलेश जी के शपथ लेने के बाद में प्रदेश को विकास के रास्ते पर। फाइनल कमेंट लेते रामनवास जी, फाइनल कमेंट दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप जी की बात सहमत हूँ कि स्वामी जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है कि बेटी, बेटा, दामाद और पिता एक साथ सांसद विधायक बन जाएं, ये समाजवादी पार्टी में संभव है। समाजवादी पार्टी में गए जहाँ बेटा, पिता, पत्नी सब के सब थे, राज्यपाल हम सब लोग परिवारवाद, जातिवाद से, पत्नीवाद सबसे लड़के आज भाई बारी बारी से बोलिए भाई, प्रदीप जी आपकी बारी हो चुकी है, रामनवास जी जवाब ले लीजिए। माननीय समाजवादी परिवार में नेताजी के बाद अखिलेश कोई तिथि भी राजनीति नहीं। प्रदीप जी, प्रदीप जी सुन लेने दीजिए, रामनवास जी को आप बोल चुके हैं, रामनवास जी अपने जवाब दें, रामनवास जी बोलिए। नहीं, ये प्रदीप जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्वामी प्रसाद जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में बेटा, दामाद, बेटी और पिता एक साथ नहीं हो सकते हैं जनबंधी, ये समाजवादी पार्टी में संभव है, इसीलिए वो अपनी बेटी को छोड़ के, बेटे और दामाद को लेके समाजवादी पार्टी में गए कि वहां टिकट मिल जाएगा और हमारी शुभकामना है कि वहां जाए टिकट ले और अखिलेश जी भी उनको टिकट दे, जनता उनको बता दे कि क्या उनकी हैसियत है। चलिए आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। फिलहाल आज की चर्चा में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि चुनाव के समय दल बदलने की परंपरा है उस पर कभी रोक नहीं लगेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अब तक उनकी अनदेखी हो रही थी और सही समय पर उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल दामन कौन किसका थामा है और क्या आगे भविष्य में होगा, कितने नेता आएंगे, कितने जाएंगे, ये जो
चलन है बदस्तूर जारी रहेगा, पर एक बात अब भी इस दल बदलू की परंपरा के बीच हमेशा रहती है कि वो है जनता के मुद्दे, यानी जनता के मुद्दे आज भी वो जीवंत बने रहते हैं, अमर बने रहते हैं और इनकी सुनवाई कहीं भी नजर नहीं आती है, क्योंकि जातिवादी पर ये चुनाव होता है और समीकरण जातिगत ही देखे जाते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, अगली बार फिर एक नए विषय के साथ हुई मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।